हेलो दोस्तों, हाय माय यूट्यूब चैनल बेबी 000 में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, जाइएगा नहीं। तो कुछ नज़ारा अभी बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुका है, जो कि मैं अभी दिखाऊँगी आप लोगों को। और फिलहाल मैं अपने कमरे में, यहाँ पे देख सकते हैं हम हैं। और क्या बताएं, बारिश बारिश बारिश, दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हो रही है गाइज। मतलब क्या बता सकते, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, कह नहीं सकते। हमारे कमरे के पास तक पानी चला गया है बिल्कुल। मतलब इतनी तेज़ बारिश से चप्पल वगैरह जो है सब कुछ, और काफ़ी भयंकर बारिश हो रही है, बहुत तेज़, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो देखिए दोस्तों, कैसे ओले गिर रहे हैं, वो सारे बारिश तेज हो रही है इतनी ज्यादा, और हमारे इधर मस्ती कर रहे हैं भाभी। ये देखिए गाइस, अरे कितने सारे ओले देखना, इन दो मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं, ओले बहुत ज्यादा ओले पड़ रहे हैं, देख मोटे मोटे। अल्लाह आराम से, इन दो चोट लग जाएगी आपको। पहली बार ही नहीं, पेपर जाएगा, सर फट जाएगा ओले से। पत्थर होते हैं देख, कितने मोटे मोटे ओले हैं। ओले ओले का बना ले यार, देखो कितने मोटे, देख जाऊंगे ले जाऊंगे, देखो देखो ओले, जाना नहीं है उसमें, अभी सिर फट जाएंगे। ये अब तू क्या करेगा इसमें, फट जाएंगे और छोटा सा चला जा। हाँ है? मम्मा को अभी चुप रहो, चुप रहो, आराम से देख बाटू, कितने मोटे मोटे ओले देखो, देखो बहुत सारे ओले छत पे। छुट्टी करनी पड़ेगी, ना तो ना करनी पड़ेगी, ना मैं छोड़ाऊंगी। अरे वाह, फिर कितनी भयंकर बारिश, अरे यार पेपर आ। देखो दोस्तों, दिल्ली की बारिश कितने अच्छे हो रहे हैं, देखिए देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा भीग भी गए हैं हम तो यहाँ पे। और इधर की तरफ देखिए, उधर नहीं जा रहे हैं, कमरे के पास हम छुप के खड़े हैं। और बारिश देखिए कितनी तेज हो रही है, ये देखिए। और बादल, आसमान अंधेरा हो रखा है बिल्कुल, देखिए मेरे बूंद भी रखे है, ये देखिए अंधेरा, कितना बादल अंधेरा है बिल्कुल, देखिए एकदम काला काला बादल देखिए। ये देखिए दोस्तों, काले काले बादल बिल्कुल, अभी बहुत बारिश होगी, बहुत बारिश होगी, अभी अभी हुई है और हो ही रही है, देख सकते हैं कितना तेज तेज, क्या सुंदर नजारा है, बहुत खास। अरे वहाँ से, वहाँ से। अरे तुम भी खेलेंगे आ जाओ। नहीं अभी नहीं खेलना है बारिश में, बारिश में कहाँ खेलोगे, भाग जा हन्नी तू, इसमें गीला हो जाएगा फालतू में। ये देखिए दोस्तों, कैसे पूरा का पूरा इधर पानी। और दोस्तों, तब से हम ये झाड़ू ले लेके पानी को खाली कर रहे हैं और नाली को साफ कर रहे हैं, ताकि साफ से अच्छे से पानी चले जाए वहाँ पे। और कभी तेज बारिश हो रही है, कभी कम, कभी तेज कभी कम बारिश हो रही है। तो अभी भी देख सकते हैं, देखिए कैसे एकदम से बारिश हो रही है तेज। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही मेरा आगे, घर के आगे ही बिल्कुल पूरा पानी पानी हो रखा है। अभी मैं इसको साफ करती हूँ एक बार, तो आप लोग कंटिन्यू रहे, मैं पूरा व्यू दिखाती रहूँगी आपको। ये देखिए दोस्तों, मेरे कमरे के आगे क्या हाल हो रखे हैं, देखिए कमरे के आगे पूरे पानी बिल्कुल नाली से आ गया है बिल्कुल भर के। ये देखिए इधर भी, ये देखिए पानी पानी हो रखा है मेरे कमरे के आगे पूरा। ये देखिए इधर भी, नीचे ऊपर सारे में, ये देखिए। अब इसको हम क्या करेंगे, झाड़ू लगाएंगे सारे जीने तक आगे है। ये देखिए दोस्तों कितना पानी भर गया, देखिए ये देखिए, घर के आगे से ले जाना पड़ेगा इधर से पानी, ये देखिए अभी भी बारिश तेज हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखिए मेरे कमरे के आगे आगे का क्या हाल है, सो हम चप्पल हटा देते हैं एक बार इसमें से, और फिर पानी को इधर की तरफ ले जाते हैं। नाली ओवरलोड हो गया था इसीलिए ऐसा हो गया है, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, तो पानी जल्दी पास नहीं हो रहा था इसलिए। बेटा पोछा हटाइयो बाबू एक बार उधर से। तो दोस्तों देखिए, मैं अच्छी तरह झाड़ू लगा लेती हूँ, पूरा ही
पानी पानी हो रखा है मेरे किचन के आगे, रूम के आगे सारे में। और इधर हम नाली में पानी को इधर करके फिर साफ कर देते हैं, थोड़ा सूख जाएगा तो, क्योंकि इधर जो है ना छत पे रहते हम देख सकते हैं, इधर जैसे घूम गए तो छत हो गया और छत के ही इधर घूम गए तो रूम हो गया, तो छत के हमारा बराबर ही पड़ता है। तो हम छत पे ऊपर रहते हैं ना, तो इसीलिए बड़ा यहाँ पे पड़ता है ना, तो इसीलिए जो पानी आते हैं तो ये जो जाल में जाता है ना, तो जाल जाम हो जाते हैं ना, तो फिर घर में घुसना शुरू हो जाते हैं। तो पानी इतनी बारिश हो रही थी ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो इसलिए जो नाली पानी का है ना उस ऊपर से जाना शुरू हो गया, तो बस घर में घुसना शुरू हो गया था। तो मैं इसमें पोछा लगाऊंगी, झाड़ू तो लगा दिए क्योंकि जो पानी था मोटा मोटा जमा उसको हम हटा दिए हैं, वो भी जल्दी जल्दी हम नाली साफ कर रहे थे ना इसीलिए। ये देखिए दोस्तों, अब हमने पूरा कर दिए हैं इधर, और इधर से कर देते हैं थोड़ा। ये देखिए, पहले यहाँ पे लोहे का जाल था, उससे बढ़िया पानी जा रहा था, भाभी लोग ने ये लगवा दिए हैं तो इसमें पानी कम जा रहा है। अब देखिए पूरी छत की पानी, देखिए इधर पूरी छत के पानी यहाँ पे आके और इधर से जाएगा, तो कितना पानी इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ से जो है ना इससे निकल के मेरे कमरे के अंदर घुस जाता है पानी इधर जाके पूरा में। इधर देखिए हम थोड़ा थोड़ा साफ कर देते हैं इसको मोटा मोटा, देखिए कितना है, जाम हो जाता है ना। ये देखिए बाबू पानी में नहीं जाओ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसको हटा देते हैं मोटा मोटा बस। देखिए इधर गीला गीला पूरे हो रखा, इसको थोड़ा सा हम पोछा से साफ कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम अभी इसमें पोछा लगा लेते हैं सही से कमरा के आगे। इधर कूलर में भी पड़ गया ज़्यादा होता है ना दोस्तों, यहाँ से गेट है और गेट से लेके और ये इधर देखिए बेड सामने दिख रहा है, बेड तक पानी पहुँच जाता है कभी कभी, बेड के अंदर तक पानी पहुँच जाता है कभी कभी बहुत। तो हम अपना यहाँ पे घर के आगे पोछा लगा देते हैं एक बार। जल्दी जल्दी पोछा लगा लेते हैं, पैदान भी गीला हो गया, सारे कुछ हो गया गीला। देखो हो गया ना अब साफ, बस हो गया, अब इसको पैदान डाल देंगे, हो गया। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को ये दिल्ली की बारिश, इतनी तेज अचानक आई थी, मेरे तो पैदान वैदान जो सारे गीले हो गए पूरा के पूरा, कमरा में पानी घुस गया सारे में बिल्कुल ही, इधर जीने उने पर जो भी जैसे भी था सारे में पानी ही पानी आ गया। अब हम इसको जो है ना साफ कर दिए हैं लेके, हो गया दोस्तों। और इतने मोटे मोटे ओले गिर रहे थे और भाभी ने क्या कि तबाला के और उल्टा करके डाल दिए, बोले क्या इससे जो है ना ओले नहीं पड़ेंगे, तो इसीलिए जो है वो डाल दिए थे। और हमारा छत का नुकसान भी हो गया बहुत ज़्यादा, टूट गया है, इतने तेज ओले गिर रहे थे ना, तो प्लास्टर भी हट गया है। देखिए थोड़ा जीना जी भी मार देते हैं इसमें, बहुत सारा हो गया कीचड़ कीचड़ हो गया है, सारे पाइप जाम हो गया था ऊपर से नीचे तक ना, तो ऊपर नीचे कर करके फिर साफ किए हैं इसीलिए। पर जो भी है मजा आ गया बहुत ज्यादा, मैं भूत की तरह लग रही हूँ, मेरे बाल देखिए कैसे हो गए, बस हो गया इधर। और इधर भी जीने की तरफ लगा देते हैं, थक गए, बस हो गया। नीचे जो रहते हैं ना उनको ठीक है, ऊपर आने वाले को बहुत दिक्कत होती है अगर सामने छत खुला अगर हो तो इस तरह की। देखिए दोस्तों, देखिए इतनी तेज जैसे कि बारिश आई और ओले मोटे मोटे गिरे थे ना, तो इसलिए जो है ना छत का नुकसान भी हुआ हमारा, देख सकते हैं प्लास्टर टूट गया है। देखिए देखिए ये देखिए कैसे टूटा, ये देखिए पूरी छत कैसे कैसे टूटा, ऐसे मोटे मोटे ओले से देखिए छत कैसे टूटा। देखिए ये देखिए उधर कोने में भी देखिए सारा छत कैसे हो गया है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए दोस्तों। उसे दोस्तों अब मौसम क्लियर हो गया है, लेकिन बादल अभी काला है, उधर की तरफ देखिए थोड़ा क्लियर मौसम हुआ है और अभी ज़्यादा साफ नहीं हुआ है। और इधर हम तो कर ही लिए अपना पोछा उछा डाल लेते हैं।
तो दोस्तों वीडियो को करते हैं हम एंड, और फिर और भी काम है, देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं। और मैं बहुत थक चुकी हूँ, उस टाइम से मैं पानी हटाते हटाते इधर साफ उधर साफ उधर साफ करना पड़ रहा था, और मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। ऊपर से मेरे पैदान जो वगैरह थे वो गीले हो गए ना, इसलिए और मुझे गुस्सा आ रहा है। अब डालू क्या डालू मैं, पता नहीं, दो तीन जगह पैदान डालने पड़ते हैं, और वो ओवरलोड हो गया था नाली, तो उसके वजह से जो है ना घर तक पानी आ गया ना, तो घर के आगे जो हम पैदान रख रखे तो वो भी गीला हो गया। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करूंगी कि ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, और प्लीज हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू हमारी यूट्यूब फैमिली। और दिल्ली की बारिश आप लोगों को कैसी लगेगी तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।